राजस्थान के उदयपुर के बाद अब उत्तर प्रदेश के बलिया में दलित छात्र के साथ जाति भेद का मामला सामने आया है, जहां एक दलित छात्र को स्कूल से शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर दी। ये देखिए पूरा का पूरा इसका शरीर देख लीजिए क्या कह रहा है। उसके बाद उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है इतना चालबाजी किए हैं बेचारे कि अपने सहायक अध्यापक को बचाते हुए इस लड़के को छुट्टी के 3 घंटे बाद तक अपने विद्यालय में बंद किए हुए हैं। और नहीं तो बेघर परिवार के लोगों को बताएं, ये लड़का बता रहा है कि ये स्प्रे मारे हैं, इसके बारे में इस लड़के से ही जो इसके ऊपर गुजरा है। दलित छात्र का कसूर बस इतना था कि उसने शिक्षक की बाइक पर हाथ रख दिया, जिससे शिक्षक आग बबूला हो गए और छात्र को कमरे में बंद कर लोहे के पाइप से बुरी तरह से पिटाई कर दी। दरअसल ये मामला नागरा थाना क्षेत्र के रनु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। इस स्कूल में दलित छात्र कक्षा 6 में पढ़ाई करता है। छात्र का आरोप है कि शनिवार के दोपहर स्कूल में लंच ब्रेक होने पर छात्र अपना लंच बॉक्स लेकर ग्राउंड की ओर जा रहा था। इसी दौरान शिक्षक कृष्ण मोहन शर्मा की बाइक से उसका हाथ लग गया। संयोग से उसी समय शिक्षक कृष्ण मोहन शर्मा भी उसी समय अपनी क्लास से बाहर निकले और उन्होंने बच्चे को बाइक पर हाथ लगाते देख लिया। बस इतनी सी गलती थी, वो भड़क गए और बच्चे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि शिक्षक कृष्ण मोहन शर्मा ने दलित बच्चे की पिटाई तब तक जारी रखी जब तक वो पस्त नहीं हो गया। सर के बाइक को हाथ रख दिए थे सर, हमारा कॉलर पकड़ कर कमरे में बंद कर कर झाड़ू था, एक लोहे का पाइप था, उसे बहुत हमको मारे, ब्रेंच पर गर्दन दबा को मारे। अच्छा, पढ़ाई करते हैं क्या कहीं आप? यस, मिडिल में पढ़ते हैं। कहाँ पे? उसी रनौपुर विद्यालय में। कौन सा विद्यालय है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय रनौपुर। कौन टीचर थे? कृष्ण मोहन सर। क्या पढ़ाते हैं वो? पढ़ाते उड़ाते कुछ नहीं आते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, कभी कभी आते हैं और ये तो कहते हैं नकली को विज्ञान। तो एक सर पढ़ाते हैं, वो बढ़िया से पढ़ाते हैं, वो आते हैं कभी कभी पढ़ाते हैं, नकल लिखते हैं, पढ़ते हैं नकल लिखने के लिए। स्कूल में कब घटना हुई है ये? 10 बजे, 10:30 बजे की करीब। उस समय जैसे क्या था, क्लास चल रहा था या छुट्टी हो गई थी, क्या था? लंच की छुट्टी हुई थी। तो आप क्या किए थे लंच की छुट्टी में? खाना वाना खाकर फील्ड था ग्राउंड, उसी में हम आए थे सर, हम इधर जा रहे थे तभी हम सर को बाइक था उसी पर हम हाथ दे दिए ना, बस गलती से हाथ मेरा दरा गया। तो ऐसा तो नहीं कहीं बाइक को गिर गई हो? नहीं, बाइक को कुछ खराबी नहीं, बस हम हाथ रख, केवल हाथ धरने के लिए वो मार देंगे। हाँ, मार दी हमको। आप के क्लास में वो पढ़ाते भी हैं? हाँ। कभी कुछ कोई बात तो नहीं हुआ था उनसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। वहीं दलित छात्र की पिटाई के बाद परिजनों में आरोपी शिक्षक के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल के बाहर हंगामा किया और प्रधानाध्यापक से शिकायत करने के बाद नगारा थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ लिखित तहरीर दी। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। ये शिक्षा क्षेत्र नगरा स्थित जूनियर विद्यालय रनौपुर का मामला है, जहां पर एक शिक्षक ने एक छात्र को, आरोप ये है कि छात्र ने शिक्षक के मोटरसाइकिल पर हाथ रख दिया, जिसके कारण छात्र को मारा पीटा गया है। इसमें जैसे ही हमको शाम को खबर लगी, मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी को उस विद्यालय पर शाम को भी भेजा, आज सुबह भी खंड शिक्षा अधिकारी नगरा विद्यालय पर गए हैं और अपनी पूरी जांच आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराए हैं। कृष्ण मोहन शर्मा नाम के अध्यापक के खिलाफ निलंबन की संतुति किए हैं, जिनका निलंबन आज ही हो गया है और जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी गठित करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। दलित छात्र की पिटाई मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्र की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।